सबसे काबिल शिवराज ही हैं। लेकिन सीएम पद को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिया बड़ा बयान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक और नरसिंहपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। प्रहलाद पटेल ने दावा किया है कि कमलनाथ अपनी सीट से चुनाव हार रहे हैं, साथ ही कांग्रेस छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 सीटों पर चुनाव हार रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 20 साल बाद बीजेपी अपने 2003 के नतीजे को 2023 में एक बार फिर दोहराने जा रही है। जबलपुर में नर्मदा नदी के आंचल में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री के चेहरे सहित तमाम राजनीतिक सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया। साल 2003 के नतीजे दोहराने का अर्थ है कि 2023 में बीजेपी एक बार फिर 174 सीटों का आंकड़ा छुएगी। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटें कांग्रेस हार रही है। उनके छिंदवाड़ा दौरे के बाद कमलनाथ को 3 दिन तक वहां डेरा डालना पड़ा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता 2003 की तरह फिर एक बार सभी सीटों पर बीजेपी को जिताने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2 थके हुए चेहरों पर चुनाव लड़ रही है, जो कुछ दूर चुनाव प्रचार के लिए चल भी नहीं पाते हैं। पार्टी करेगी सीएम के चेहरे पर फैसला। प्रहलाद, जब ये सवाल पूछा गया कि ओबीसी चेहरे के नाते शिवराज सिंह चौहान की जगह आप सीएम बन सकते हैं, क्या आप शिवराज सिंह चौहान के अल्टरनेट की तरह देखे जा रहे हैं, तो प्रहलाद पटेल ने कहा, सीएम का फैसला पार्टी और संगठन करेगा। हम सभी सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें सबसे काबिल शिवराज ही हैं, लेकिन सीएम कौन होगा इन अटकलों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। राहुल गांधी के आरोपों पर ये बोले केंद्रीय मंत्री। जब कांग्रेस जाति जनगणना की मांग कर रही है और राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है, इसको लेकर जब प्रहलाद पटेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की खुद की जाति का पता नहीं है और वो इस मामले में आग लगाने चले हैं। प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी से सिर्फ झूठ बोल रही है, उसने इस देश को कभी ओबीसी पीएम नहीं दिया। हमारे पीएम ओबीसी हैं, बीजेपी ने एमपी में 3 ओबीसी सीएम दिए हैं और कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह जैसे नेताओं को नेता बनाया। हम राम नाम पर राजनीति नहीं करते। प्रहलाद पटेल, भगवान राम पर चुनावी राजनीति करने के कांग्रेस के आरोप पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि राहुल गांधी राम मंदिर की तारीख पूछते थे, हम राम के नाम पर राजनीति नहीं करते, जबकि कांग्रेस नेताओं ने हमेशा भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बार बार मध्य प्रदेश आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यहाँ संकट है, बल्कि मैंने उन्हें बुलाया था। अमित शाह हमेशा कहते हैं कि उम्मीदवार हम चुनते हैं, पर उन्हें लड़ाता और जिताता संगठन है। इसी तरह पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि मोदी जी के चेहरे पर तो सभी को भरोसा है, उमा भारती योग के मार्ग पर हैं। प्रहलाद पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के हिमालय जाने के सवाल पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि जीवन में भोग और योग दोनों होता है, जिसको मैं गलत नहीं मानता। उमा भारती नाराज नहीं है, वो योग के मार्ग पर हैं। चुनावी राज्यों में कांग्रेस द्वारा ईडी की छापेमारी पर आपत्ति उठाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, तो क्या भ्रष्टाचार होता रहे और एजेंसियां अपना काम न करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।